हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक गुरुकुल। प्रीवियस लेक्चर में हमने एवरेज लोड वोल्टेज और एवरेज लोड करंट कैलकुलेट किया था फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। इस लेक्चर में हम आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट और आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे कि हम कैसे निकालेंगे फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। तो हमें पता है कि जो आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस मींस दिस आरएमएस इज द एब्रिविएटेड फॉर्म ऑफ रूट मीन स्क्वायर। आरएमएस इज द रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर हमें किसका निकाला? लोड करंट का। तो हमें पता है कि लोड करंट जो है दैट इज इक्वल टू आई, और आई लोड करंट जो है दैट इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। ये कब है? व्हेन ओमेगा टी वेरीज फ्रॉम जीरो टू पाई। सो अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका आरएमएस वैल्यू निकालेंगे लोड करंट का। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, आई स्क्वायर। लोड करंट का स्क्वायर किया हमने, उसके बाद इसकी मीन वैल्यू निकालेंगे। मीन वैल्यू निकालने के लिए हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम जीरो टू पाई, और यहां पर वन अपॉन पाई ये बेस रहेगा, और डी ओमेगा टी। अब इसका रूट करेंगे तो इस सारे का यहां पर क्या आ जाएगा, दिस इज वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये क्या वैल्यू आ जाएगी? दिस विल बी द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड करंट, आई आर एम एस। सो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर हमें पता है कि ये जो आई स्क्वायर है इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे यहां। यहां पर हम क्या लिखेंगे? वन अपॉन पाई। I स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे, I स्क्वायर की वैल्यू इज आई एम साइन ओमेगा टी। हम इसका क्या करेंगे, यहां पर स्क्वायर करेंगे, और यहां पर डी ओमेगा टी आ जाएगा ये, एंड आफ्टर दैट स्क्वायर रूट। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इस आई एम को हम बाहर निकाल लेंगे। इट मींस कि यहां पर क्या हो जाएगा, आई एम स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको आई एम को हम बाहर निकाल लें, इसकी वैल्यू आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई एज इट इज आ जाएगा, और इसके अंदर क्या बचेगा, जीरो टू पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी एंड इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू ओमेगा टी, यहां पर इसका स्क्वायर रूट। ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंगली। हमें पता है कि कोस टू थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू है, हमें पता है। सो अब यहां पर हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, दिस विल बी वन अपॉन टू वन माइनस कॉस टू थीटा, और थीटा की जगह हमने यहां पर क्या ले रखा है, ओमेगा टी ले रखा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन टू वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी। सो अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू हम इसके अंदर यहां पर पुट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा यहां पर, दिस इज आई एम स्क्वायर अपॉन पाई एज इट इज हम लिखेंगे इसको, और यहां पर हम इंटीग्रेशन लिखेंगे जीरो टू पाई। किसका इंटीग्रेशन है ये, इसकी वैल्यू लिखेंगे यहां पर हम वन अपॉन टू वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी एंड डी ओमेगा टी। यहां पर अब ये वन बाई टू यहां पर कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं यहां पर। सो ये क्या आ जाएगा यहां पर, आई एम स्क्वायर अपॉन ये टू बाहर आ जाएगा, तो यहां पर क्या बन जाएगा, दिस इज टू पाई, एंड यहां पर क्या रहेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू पाई। किसका इंटीग्रेशन, वन का डी ओमेगा टी के रेफरेंस से यहां पर, और माइनस फिर इंटीग्रेशन जीरो टू पाई, किसका इंटीग्रेशन, कॉस टू ओमेगा टी यहां पर डी ओमेगा टी, और इस तरह से यहां वन बाई टू। अब हमें पता है कि जो वन का इंटीग्रेशन है, अब इनका इंटीग्रेशन हम करेंगे यहां पर,
इस वन का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट है तो ओमेगा टी इंटीग्रेशन आ जाएगा इसका, तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, आई एम स्क्वायर अपॉन टू पाई, सो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे यहां पर ओमेगा टी, और माइनस कॉस टू ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, साइन टू ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टू एंड लिमिट्स फ्रॉम जीरो टू पाई, और यहां पर दिस इज वन बाय टू। अब हम इसकी वैल्यू लिखेंगे लिमिट्स की यहां पर, तो क्या आ जाएगा, दिस इज आई एम स्क्वायर अपॉन टू पाई, ये यहां पर है ब्रैकेट, क्योंकि अंडर रूट सभी का है यहां पर, तो ये ब्रैकेट यहां पर है, सो हम इस तरह से लिखेंगे यहां पर। अब हम पाई के लिए लिखेंगे पहले यहां पर, तो ओमेगा टी की जगह पे यहां क्या आएगा, दिस इज पाई देन माइनस ये क्या है वैल्यू, साइन टू पाई अपॉन टू, देन उसके बाद माइनस जीरो, और उसके बाद यहां पर माइनस साइन टू ओमेगा टी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, देन साइन टू मल्टीप्लाई बाय जीरो डिवाइडेड बाय टू, तो इस तरह से हमने लिमिट्स लिखी यहां पर। ये जो वैल्यू है दिस साइन टू पाई दिस इज इक्वल टू जीरो एंड साइन जीरो इज आल्सो इज इक्वल टू जीरो, यहां पर फाइनली वन बाय टू। तो अब यहां पर इनकी वैल्यूज हम लिखें यहां पर क्या आ जाएगा, ये इस तरह से हम लिखें यहां पर आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू पाई, तो यहां पर पाई देन माइनस जीरो देन माइनस जीरो देन माइनस जीरो, दिस इज प्लस जीरो, सो अंडर रूट यहां पर आएगा, तो अब इसकी वैल्यू यहां पर क्या बचा, सिर्फ पाई बचा, सो दिस वैल्यू इज आई एम स्क्वायर अपॉन टू पाई मल्टीप्लाई बाय दिस पाई एंड यहां पर स्क्वायर रूट, सो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहां पर, और वैल्यू किसके बराबर आएगी, दिस इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू एंड दिस स्क्वायर रूट। अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहां पर आई एम स्क्वायर है इसका, यहां पर रूट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू आई एम, और यहां पर टू है तो टू का क्या आ जाएगा, अंडर रूट, सो दिस विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ दिस आई आर एम एस, आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू, सो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड करंट। अब देखते हैं आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज, तो आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज क्या रहेगी, वी आर एम एस इज इक्वल टू दिस इज आई आर एम एस मल्टीप्लाइड बाय आर, तो आई आर एम एस की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे, क्या रहेगी, आई एम डिवाइडेड बाई अंडर रूट टू एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाई आर। अब इस आई एम मल्टीप्लाइड बाई आर को हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वी एम अपॉन अंडर रूट टू, सो दिस इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज। सो इस तरह से ये हमारे दो पैरामीटर्स हैं, आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज एंड दिस इज आर एम एस वैल्यू ऑफ लोड करंट। तो इस तरह से हमने फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एवरेज वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज निकाली थी, दैट वाज 2 वीएम अपॉन पाई एंड एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट वाज 2 आईएम अपॉन पाई, देन हमने निकाला यहां पर आईआरएमएस इज इक्वल टू आईएम अपॉन अंडर रूट 2 एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ लोड वोल्टेज इज इक्वल टू वीएम अपॉन अंडर रूट 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के पैरामीटर्स करेंगे, इस लेक्चर के लिए इतना ही, यदि आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सजेशन है, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, थैंक यू।